कश्मीरी छात्र ने दो तीन बात लिखा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में कश्मीरी छात्र जिब्रान फाजली पर हुए हमले के दो दिन बाद विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर को एक पत्र दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के डिप्टी प्रॉक्टर डॉक्टर अली नवाज जैदी ने कहा कि कश्मीरी छात्र जिब्रान फाजली ने 24 दिसंबर की रात हॉस्टल में उसके साथ हुई बदसलूकी और मारपीट के खिलाफ दो दिन बाद यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर को पत्र दिया है। जैदी ने आगे कहा कि अज्ञात लोगों के खिलाफ रिट जारी की गई है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैदी ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह घटना 24 दिसंबर की रात को हुई है और आज दो दिन बाद जो रीट दी गई है वह टिकती नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संबंध में एक सवाल के जवाब में जैदी ने कहा कि शताब्दी गेट पर अंधेरा था, कौन आया कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए जांच करेंगे, अगर कोई छात्र है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ तदनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। कश्मीरी छात्र पर हमले की निंदा करते हुए AMU के छात्रों ने कहा कि जो भी दोषी हो उसे कानून के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। एक वरिष्ठ शोधार्थी के साथ उस तरह की गाली गलौज और मारपीट भी विश्वविद्यालय की परंपरा के खिलाफ है। कुछ कश्मीरी छात्र विशेष रूप से जम्मू कश्मीर छात्र संघ के राष्ट्रीय संयोजक निराधार हैं, AMU में कश्मीरी छात्रों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, कश्मीरी छात्रों को आतंकवादी कहा जा रहा है। छात्रों ने कहा कि कश्मीर में जब भी किसी के साथ अन्याय होता है तो उसके खिलाफ AMU की आवाज ऊपर से उठती है। इनको अप्रोच किया, अब हमारे पास एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो ये इसमें कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि भाई आप क्यों डिले किया इसको, भाई हमारे पास तभी आते और अभी तक हमारे पास रिटर्न एप्लीकेशन नहीं थी, वो अब आई है आज की तारीख में, अभी 2:15 पे वो एप्लीकेशन। AMU प्रशासन इसमें इंक्वायरी सेटअप कर दी हमने, हमारे डिप्टी प्रॉक्टर असिस्टेंट प्रॉक्टर इसकी इंक्वायरी करेंगे, रिपोर्ट ली जाएगी प्रोवोस्ट साहब से कि वहाँ पे क्या इशू हुआ था और हम ये देखेंगे कि सेंट्री गेट पे क्या हुआ था, हम इसकी भी इंक्वायरी करेंगे। वहीं कश्मीरी छात्रों का कहना ये भी है कि प्रॉक्टर टीम के सामने ही इस तरीके से तमंचे जैसी लहराए गए, मारपीट की गई। देखिए वहाँ पे अंधेरा था, वहाँ पे कौन एलिमेंट आ गया एकदम से वो कहना अभी पॉसिबल नहीं है कि हम उसको बता पाएंगे कि वो कौन थे। हम उसकी जाँच करेंगे और अगर हमें लगता है कि हमारा स्टूडेंट है हम उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई है सख्त से सख्त करी जाएगी। कैंपस में कश्मीरी छात्र स्वयं की सुरक्षा को खतरा बता रहे हैं, उनका कहना यह है कि 3 महीने में 7 बार उन पर हमले बोले जा चुके हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर। देखिए ये इसमें इस बात को मैं नहीं मानूंगा कि 7 बार ऐसा हो चुका है, लड़ाई झगड़े हर कैंपस की एक कॉमन फिनोमेना है और उसमें कई मरतबा कश्मीरी आपस में लड़े हैं एक दूसरे का, इन्होंने सर पर चोट मारी है, उनके पेरेंट्स भी यहाँ आ गए और थाने तक मैटर गया। दूसरा ये कि जो बच्चा मिसिंग है यहाँ से वो वारदात कैंपस की वजह से नहीं, वो अपनी वजह से चला गया। जो हमारे यहाँ रिपोर्टेड हैं उसमें एक वारदात ये भी हुई थी 2019 में, कोई वानी साहब थे जो वहाँ मिसिंग थे, फिर वो मिलिटेंट ज्वाइन कर लिया था उन्होंने, एक वारदात वो भी थी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लैपटॉप छीना गया तो वो उसकी FIR दर्ज है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि पता चले कि छीना, किसने छीना, कब छीना, क्या छीना, है ना। तो ये सब चीज़ें जाँच का विषय है और मुझे नहीं लगता कि इतनी वारदात जान के अगर कोई ये कह रहा है तो वो झूठ कह रहा है और इसमें कोई सत्य नहीं। देखिए सबसे पहली बात ये है कि जो घटना हुआ है 25 तारीख की रात को, वो सब इस AMU पूरे अली फ्रेटर्निटी को कंडेम करते हैं क्योंकि एक सीनियर के साथ इस तरह हुआ, ये गलत हुआ जो भी हुआ है। और ये तमाम चीज़ को लेकर स्टूडेंट्स ने भी इस पर डिमांड भी किया है कि जो लोग इस पर है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन साथ साथ एक अफसोस की बात ये है कि पार्टिकुलर कुछ बाहरी के लोग कुछ स्टूडेंट्स को मिसगाइड करके जिस तरह से AMU के ऊपर एलिगेशन लगा के AMU की इमेज को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत अफसोस की बात है। ये आरोप ये जो लगा रहे कि कश्मीरी आइडेंटिटी की वजह से उस सीनियर के ऊपर मारा गया या कश्मीरी को आतंकवादी कहा जाता है एकदम बेबुनियाद बातें हैं। उसका वजह है कि वहाँ की लड़ाई एक बैडमिंटन की खेलने की वजह से वहाँ से आपस में एक लड़ाई शुरू हुआ है और घर पर जब कोई मसला होता है तो उस पर घर पर सुलझाया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कुछ सोकॉल्ड स्टूडेंट्स लीडर बाहर के जो AMU से कभी ताल्लुकात नहीं रहा, यह एक एसोसिएशन है जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नाम पे, वो यहाँ एक गंदी राजनीति खेल खेल रहे हैं कि AMU में इस तरह से हुआ जा रहा है, AMU में कट्टा कल्चर है, AMU में कुछ नहीं हो रहा है, गुंडा कश्मीरों के साथ जुलम हो रहा है, ये एकदम बेबुनियाद है। AMU वो ज़मीन है जब कश्मीरों पे कभी भी कोई एट्रोसिटीज़ होता है तो सबसे पहले आवाज़ अगर उठता कहीं से तो AMU के, AMU कभी भी ना इंसाफी के खिलाफ हमेशा AMU बोलता है। देखिए हमारे कश्मीरी भाई, हमारे सीनियर भाई के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और जो जिन लोगों ने ये सब उनके साथ करा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो AMU के खिलाफ गलत बोला जा रहा है कि कश्मीरों के साथ गलत होता है, ये सरासर गलत कहते हैं क्योंकि AMU यहाँ सिर्फ हमारा तो है नहीं, AMU सबका है जो यहाँ पढ़ते हैं, और ये सब गलत हुआ है हमारे सीनियर भाई कश्मीरी।